जसपुर में गन्ना मूल्य को लेकर साल 1980 में हुए किसान आंदोलन में किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल किसान नेताओं ने हर्ष अरूप सिंह और कामरेड करण सिंह के दौरान धरना स्थल पर ही सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उनकी याद में 41वीं बरसी पर सहित किसानों के परिजनों के बीच भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। जसपुर क्षेत्र के वर्तमान विधायक आदेश सिंह चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र चौहान सिंघल ने समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद किसान हर्षरूप सिंह के पुत्र देवेंद्र चौहान ने जसपुर पूर्व विधायक वर्तमान विधायक दोनों जनप्रतिनिधियों से किसान नेताओं को शहीदी दर्ज दिलाने की मांग की है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो 80 में गन्ना आंदोलन चल रहा था, गन्ना मूल्य वृद्धि को लेकर। उस आंदोलन में हमारे क्षेत्र के दो किसान शहीद हुए थे, हर्षरूप सिंह जी और करण सिंह जी, जिनकी हर साल बरसी मनाई जाती है। इसी जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं, यही उनकी शहीदी हुई थी। हर साल की तरह हम शहीदी दिवस इनका मना रहे हैं और हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इन किसानों को शहीदी का दर्जा मिले और इनकी शहीदी हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इनके जो आदर्श हैं उन पर चलने का हम सभी भाइयों से कहते हैं कि इनके आदर्श पर चलें। ये दो किसान भाई एक गन्ना आंदोलन में अपने उन्होंने जीवन दिया किसानों के हित के लिए, हर्षरूप सिंह जी और कांग्रेस करण सिंह जी। उनके याद में हर वर्ष 25 तारीख को ये दिवस मनाया जाता है, कई दिवस, और यहाँ पर सब किसान भाई इकट्ठे होते हैं, अपनी बातें रखते हैं, विचार विमर्श होता है। सरकार की नीति वही बात होती है और किसानों में जो समस्याएं हैं वो इस पर रखी जाती है, इस मंच के माध्यम से रखी जाती है।